नमस्कार दोस्तों, आप भी यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट कर रहे होंगे स्टूडेंट की। और जब स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट करते हैं, तब आप लोग जैसे ही उसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक एरर आता है कि इस स्टूडेंट का आधार वेरीफाई नहीं है। यदि इस प्रकार का एरर आता है कि आधार वेरीफाई नहीं है, तो आप लोग किस प्रकार से आधार को वेरीफाई कर सकते हैं? और यदि जब वेरीफाई नहीं हो रहा है, तब बहुत सारे लोग कुछ गलती कर देते हैं, और ये गलती है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी वीडियो में देखी होगी या किसी से सुनी होगी, या फिर हो सकता है कि आपके दिमाग में ही ये विचार आए। तो ये जो आपके दिमाग में विचार आ रहा है, वो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोग आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो कौन सी गलती आप लोगों को नहीं करनी है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अपडेट होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर मैं यूडाइस पोर्टल से लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद में मैंने अपार मॉड्यूल्स में जाकर इस प्रकार का अपार आईडी जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब हम लोग अपार आईडी जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर फादर का नाम डालते हैं, उसके बाद में यहाँ पर फादर से या मदर से वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से उस अभिभावक का कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास में आ रहा है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और उस डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर हम लोग उसके नंबर लिख देते हैं। नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर हम लोग अपना स्कूल का पैलेस डाल देते हैं, और जिस दिन आईडी जनरेट कर रहे हैं वो डेट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आप लोग इससे पहले की डेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके एचएम का नाम आ जाएगा और हम लोग उसको सबमिट करते हैं, और जैसे ही सबमिट करते हैं, तो आपके सामने एरर आता है कि इस स्टूडेंट का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है। यदि इस प्रकार का एरर भी आप लोगों के सामने आता है, तो आप लोग आधार को वेरीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चलना होगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके नीचे फर्स्ट वाला ऑप्शन है एक्टिव स्टूडेंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तब आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है। आप लोग आ जाइए सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर, आधार वैलिडेट वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आप लोगों को आधार कार्ड को वैलिडेट करना है। जब आप लोग आधार को वैलिडेट करते हैं, तब यूडाइस पोर्टल और आधार पोर्टल दोनों का मैच होता है, और इसमें तीन चीजें देखी जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, यानी कि मेल है या फीमेल है, ये तीन चीज की चेकिंग होती है। यदि ये तीनों सेम है, तो आप लोगों के यहाँ पर आधार वैलिडेट हो जाता है, और यदि ये तीनों चीज सेम नहीं है, तो स्टूडेंट का आधार वैलिडेट नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट का आधार वैलिडेट करके बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे वैलिडेट आधार फॉर्म यूआईडी पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको कन्फर्म करने के लिए कहेगा, तो कन्फर्म कर दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, वेरीफाइड फॉर्म यूआईडी अगेंस्ट नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर, यानी कि यहाँ पर तीनों सेम था यूडाइस पोर्टल पर और आधार पोर्टल पर, इसलिए यहाँ पर ये आधार वेरीफाई हो चुका है। अब आप लोग यदि इस स्टूडेंट की अपर आईडी जनरेट करोगे, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग अपर आईडी जनरेट कर पाओगे। अब मान लीजिए कि आधार कार्ड और जो यूडाइस पोर्टल है, उससे डिटेल मैच नहीं होती है, तो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर फेल्ड आ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट की आप लोग अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक नाम की स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ही ये अपार आईडी अभी जनरेट नहीं हो पा रही है, यानी कि ये आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं कि कुछ एक गलती कर देते हैं। तो वो गलती क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को स्कूल डैशबोर्ड में जाना है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास की एक स्टूडेंट की जो जीपी प्रोफाइल है, उसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब आप लोगों ने कहीं सुना होगा या फिर देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग बच्चे का आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं, पर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर जो आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर हम लोग फिल कर देते हैं और फिर अपार आईडी जनरेट कर देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करती है, ये बिल्कुल अनऑफिशियल है। इसका कोई भी एक ऑर्डर नहीं आ रखा है कि आप लोग बच्चे का आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर डालकर आप लोग अपार आईडी जनरेट कर सको। और आधार कार्ड में तो नाम कुछ और है, लेकिन आपके यूडाइस पोर्टल पर नाम कुछ और है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, किसी स्टूडेंट का नाम है अनिल सिंह राठौड़, ये आप लोगों के एसआर रजिस्टर में आपके यूडाइस पे स्कूल रिकॉर्ड में अनिल सिंह राठौड़ लिखा हुआ है, लेकिन उस बच्चे के आधार कार्ड में सिर्फ अनिल सिंह ही लिखा हुआ है, अनिल सिंह राठौड़ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यूडाइस पोर्टल और आधार कार्ड में दोनों में जो नाम है वो मिसमैच हो रहा है। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ अनिल सिंह ही लिख देते हैं और इसको आपसे वेरीफाई कर देते हैं, और वेरीफाई करने के बाद में आप लोग एक्टिव स्टूडेंट में जाकर उस स्टूडेंट की जो यूआईडी से जो वेरीफाई वैलिडेशन होता है आधार का, वो आधार का वैलिडेशन कर देते हैं, और उसके बाद में अपार आईडी जनरेट कर देते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनऑफिशियल है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो अपार आईडी है वो सिर्फ एक ही बार बनेगी, एक ही बार उसका नंबर जनरेट होगा, और उसके बाद में उसमें कोई किसी भी प्रकार की एडिट नहीं हो सकती है। और ऐसी स्थिति में यदि आप लोग
आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है और आपके स्कूल पोर्टल पर कुछ और अलग नाम चल रहा है, ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों ने अपार आईडी जनरेट कर देते हैं, उस बच्चे के अपार आईडी में मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है कि आगे भविष्य में उस बच्चे को किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है आपके स्कूल को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। अब इसका हम लोग उल्टा देखते हैं। अब आप लोग मान लीजिए कि किसी बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में तो अनिल सिंह है, लेकिन आधार कार्ड में अनिल सिंह राठौड़ लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में भी यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, तो अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप लोगों को S30 फॉर्म भरकर ब्लॉक स्तर पर भेज दिया और ब्लॉक स्तर में भेजने के बाद में अनिल सिंह राठौड़ करवा दिया, लेकिन आप लोग यूराइज पोर्टल पे तो करा दोगे, लेकिन आपके स्कूल के SR रजिस्टर में आप लोग कैसे करोगे, क्योंकि आप लोगों ने किसी न किसी प्रूफ के आधार पर ही उस बच्चे को एडमिशन दिया था जब वो कक्षा फर्स्ट में एडमिशन के लिए आया था। ऐसी स्थिति में, दोनों ही स्थिति में, आप लोगों को बच्चों को अभिभावक से संपर्क करना है और उनको समझाना है। आप लोगों को बच्चे के आधार कार्ड में जो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप लोगों को सही करवानी है। बिना सही किए स्थिति में आप लोग अपर आईडी जनरेट नहीं करें। इन दोनों ही स्थितियों में आप लोग एक काम कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के अपने स्तर का होगा, अपने रिस्क पे होगा। यदि बच्चे छोटी क्लासों में, जैसे कक्षा 1 में, कक्षा 2 में है, ऐसी स्थिति में आप लोग थोड़ा सा उल्टा सीधा हेर फेर कर आप लोग नाम सही करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये भी आप लोगों को नियमों के अनुसार करना होगा। शपथ पत्र लेना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट लगोगे, इन डॉक्यूमेंट को आप लोग ब्लॉक स्तर पर भिजवाएंगे। वहां से ऑर्डर आने के बाद में आप लोग बच्चे की जो कक्षा 1 या 2 में है, आप लोग ऐसा रजिस्टर में ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़ी क्लास होगी, बोर्ड क्लास हो के बाद में आप लोग बच्चे के ऐसे चेंज करोगे, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है कि स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 8 बोर्ड उसके पास कर लिए, अब वो 9th में चला गया है, 9th में आप लोग उसका सही कर रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि कक्षा 8 की मार्कशीट में नाम कुछ और है और कक्षा 9 के बाद में कुछ मार्कशीट में नाम कुछ और है, तो दोनों यहाँ पर मिसमैच हो सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर जो स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम लिखा हुआ है, वो आधार कार्ड वाले कॉलम में जो नाम लिखा हुआ है, वो आपको स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आप लोग यहाँ पर उसको नहीं डालना है, क्योंकि ये मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है और आपके स्कूल पोर्टल पर कुछ और लिखा हुआ है। चाहे आप लोगों की अपर आईडी जनरेट नहीं हो, लेकिन ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यूडीएस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।